मूवी शुरू होती है प्लेनेट मार्स के एक अद्भुत शॉट से और जल्दी ही हम इस लाल ग्रह पर आ पहुंचते हैं, जहां पता चलता है कि ये 2035वां साल है और नासा ने इंसानों को मार्स पे भेजने का अपना सपना पूरा कर लिया है। यहां हम देखते हैं कि नासा ने मार्स से सैंपल लेने के लिए एरिस 3 नाम का मिशन भेजा है। इस मिशन में 6 लोग हैं, जिनमें मिशन कमांडर मेलिसा, पायलट रिक, सिस्टम ऑपरेटर बैथ, डॉक्टर क्रिस और एक जर्मन केमिस्ट डॉक्टर एलेक्स के अलावा हमारा सेंट्रल कैरेक्टर मार्क भी है। मार्क एक बोटेनिस्ट है जो पेड़ और फसलों की नॉलेज रखता है। आगे हम देखते हैं कि उनकी टीम मार्स की धरती से सैंपल कलेक्ट कर रही है। वहाँ क्रू के लिए बनाए गए शेल्टर, जिसे हम हैप कहते हैं, में बैठी हुई बैथ देखती है कि एक बहुत बड़ा धूल का तूफान उनकी तरफ बढ़ रहा है। कमांडर मेलिसा सबको वापस हैप में आने को कहती है, जहाँ वो उस तूफान से होने वाले नुकसान का अंदाजा लगाती है। हैप से थोड़ी दूर पर पायलट रिक, जो अपने मैप यानी मार्स एसेंट व्हीकल का मुआयना कर रहा है, वो भी उस तूफान को आते हुए देखता है और टीम को वॉर्न करता है कि इससे मैप पलट सकता है। मेलिसा सबको मैप से वापस ऑर्बिट में अपने स्पेसशिप हर्मिस में चलने को कहती है। मार्क को लगता है कि वो लोग इस तूफान से बच जाएंगे, लेकिन मेलिसा उसकी नहीं सुनती। वो सब लोग हैप से निकलकर अपने मैप में जाने लगते हैं, लेकिन तूफान उन तक पहुंच जाता है। उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा होता। तभी एक एंटीना पर लगी हुई डिश उड़ती हुई आती है और मार्क से टकराती है। मार्क झटके से उड़ता हुआ दूर जा गिरता है। कमांडर हैरिस सबको मैप में जाने को कहती है और खुद मार्क को ढूंढने लगती है। इधर रिक भी दूसरे इंस्ट्रूमेंट से मार्क को लोकेट करने की कोशिश करता है, लेकिन उन लोगों को मार्क का कोई पता नहीं चलता और सबको लगता है कि वो मारा गया है। मैप खतरनाक ढंग से झुक चुका है और कमांडर हैरिस बाकी सबकी जान बचाने के लिए वापस मैप में आ जाती है और वो लोग स्पेसशिप हर्मिस के लिए निकल जाते हैं। धरती पर नासा के डायरेक्टर सैंडर्स मीडिया को मिशन के दौरान हुई मार्क की मौत की खबर देते हैं और बताते हैं कि बाकी सब लोग सुरक्षित हर्मिस में आ गए हैं और वापस अर्थ की तरफ आ रहे हैं। इधर मार्स पर लो ऑक्सीजन लेवल की वार्निंग से मार्क की आंख खुलती है। पता चलता है कि वो कल रात हुई एक्सीडेंट से बच गया है, लेकिन डिश से निकली एक रॉड उसके शरीर में घुस गई है। वो हैब में आता है, जहां बनी मेडिकल लैब में वो अपनी चोट का इलाज करता है। वो वहां एक कंप्यूटर में अपनी डेली वीडियो डायरी बनाना शुरू करता है, जिसमें वो अपने सारे एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करना चाहता है। उसकी बातों से पता चलता है कि वो अपने बाकी क्रू मेंबर्स को उसे पीछे छोड़ने का जिम्मेदार नहीं मानता, लेकिन उसके पास नासा से कांटेक्ट करने का कोई साधन नहीं है और उसे यह भी पता है कि नासा को अगला मिशन यहाँ भेजने में करीब 4 साल लग जाएंगे। आगे हम देखते हैं कि वो बहुत उदास है और अपने दोस्तों के सामान और फोटोज को देख रहा है। वो मन ही मन खुद को हौसला देता है कि वो यहाँ नहीं मरने वाला। वो अपने साथ लाए राशन का हिसाब लगाता है और उसे पता चलता है कि उसके पास करीब 1 साल के लिए जीने लायक राशन है और नासा के अगले मिशन से पहले उसे और 3 साल के राशन का जुगाड़ करना होगा। उसे खुद पर यकीन होता है कि वो कोई ना कोई इंतजाम कर लेगा, क्योंकि वो एक बोटेनिस्ट है और उसे पेड़ पौधों की अच्छी नॉलेज है। आगे के सीन्स में हम देखते हैं कि वो वहाँ सरवाइव करने के लिए अलग अलग चीजें करता है। वो सोलर पैनल्स को ठीक करता है और हैब के अंदर एक जगह मार्स की मिट्टी से फार्म बनाता है। खाद बनाने के लिए वो टॉयलेट से फ्लश किए हुए मलमूत्र का इस्तेमाल करता है, जो कि एक नेचुरल फर्टिलाइजर है। आगे वो कुछ बचे हुए आलू वहाँ दबा देता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पानी। उसे अपनी फसल के लिए काफी सारा पानी चाहिए होगा। वो उसका तरीका ढूंढ निकालता है और उनके बेस पर पड़े एक्सेस रॉकेट फ्यूल से पानी के वेपर्स बनाता है, जिससे उसके फार्म में नमी आने लगती है और थोड़े ही दिन में उसे वहाँ आलू का पहला पौधा दिखाई देता है। इधर नासा में मार्स डायरेक्टर विंसेंट और मिंडी को सैटेलाइट इमेजेस देखते वक्त पता चलता है कि क्रू के वहाँ से आने के बाद भी वहाँ कुछ हलचल हुई है, जैसे कि एक रोवर अपनी जगह से हिला हुआ है। वो समझ जाते हैं कि मार्क बच गया है और डायरेक्टर सैंडर्स प्रेस में इसकी सूचना देते हैं। विंसेंट प्रेस को बताते हैं कि वो लोग मार्क को जिंदा वापस लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। डायरेक्टर सैंडर अपनी टीम को एक प्रोब बनाने के लिए कहते हैं, जिससे कि वो मार्क तक कुछ जरूरी सप्लाईज भेज सके। फ्लाइट डायरेक्टर मिच हर्मिस के क्रू को बताना चाहता है कि मार्क जिंदा है, लेकिन सैंडर्स मना कर देते हैं ताकि उनके स्पेस ट्रेवल में इस वजह से कोई रुकावट न आए। वहाँ मार्क अगले नासा मिशन एरिस 4 की लैंडिंग साइट पे जाने की सोचता है, जो करीब 3200 किलोमीटर दूर है। वो एक रोवर को मॉडिफाई करता है ताकि वो इतना बड़ा डिस्टेंस ट्रेवल कर सके, लेकिन ये काफी नहीं होता। रात में मार्स के एक्सट्रीम लो टेम्परेचर से बचने के लिए वो एक रो प्लूटोनियम को अपने रोवर में रखता है, जिससे उसे गर्मी तो मिलती है लेकिन ये बहुत खतरनाक होता है। इधर मार्क देखता है कि उसके फार्म पर आलू उगाए हैं और वो बहुत खुश होता है। तभी उसे मैप पर एक जगह दिखाई देती है। उसके दिमाग में एक
आइडिया आता है और वो रोवर से मैप वाले डायरेक्शन में चलना शुरू कर देता है। वहाँ पहुंचकर वो 1997 में बंद हुए एक रोवर पाथफाइंडर को ढूंढ निकालता है और उसकी बैटरी चेंज करके उसे फिर से चालू कर देता है। उसके स्टैटिक कैमरा के थ्रू वो नासा से कॉन्टेक्ट करता है। वही नासा में विंसेंट उसके रूट को देखकर उसके इरादे जान जाता है और पाथफाइंडर के थ्रू उससे कॉन्टेक्ट बना लेता है। यहाँ पता चलता है कि एक इमेज को भेजने और रिसीव करने में नासा को करीब 32 मिनट का समय लगता है। मार्क एक तरीका ढूंढ निकालता है जिससे वो आसानी से नासा को अपनी बात समझा सके। इसे हेक्साडेसिमल कहा जाता है। नासा एक सॉफ्टवेयर की मदद से पाथफाइंडर को उसके रोवर से जोड़ देते हैं जिससे वो मैसेजेस के थ्रू उनसे बात कर सकता है। उसे पता चलता है कि उसके क्रू मेंबर्स को उसके बारे में नहीं बताया गया जिससे उसे काफी निराशा होती है। इधर डायरेक्टर सैंडर्स के कहने पर मिच हर्मिस के क्रू को मार्क के बारे में बताता है जिससे वो काफी उदास हो जाते हैं। इधर नासा मार्क तक सप्लाई मिशन को जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश में लग जाते हैं ताकि एरिस 4 मिशन के मार्स जाने तक उसके पास काफी साधन हो। मार्स पर अचानक से हैब का एयरलॉक सेफ्टी सिस्टम खराब हो जाता है जिससे उसका आलू वाला फार्म तबाह हो जाता है। वो देखता है कि उसके पास अब लिमिटेड राशन बचा है। नासा को इसका पता चलता है और वो प्रोब भेजने की तैयारी तेज कर देते हैं। सैंडर्स बिना इंस्पेक्शन के प्रोब लॉन्च करने का ऑर्डर देता है लेकिन प्रोब लॉन्च करते ही ब्लास्ट हो जाता है और मार्क की जिंदा रहने की सभी उम्मीद खत्म हो जाती है। वो कैप्टन मेलिसा को लिखता है कि उसके मरने के बाद वो उसके पेरेंट्स का ध्यान रखे और उन्हें उसके बीते हुए समय के बारे में बताए। तभी चाइना की स्पेस एजेंसी CNS से नासा को अपने क्लासिफाइड रॉकेट बूस्टर के बारे में बताती है जो इस प्रोब मिशन को पूरा कर सकता है। नासा मान जाता है और वो एक और प्रोब बनाने में लग जाता है। इधर नासा के एक साइंटिस्ट रिच को एक नया तरीका मिल जाता है जिससे वो मार्क को वापस ला सकते हैं। वो सबको बताता है कि चाइनीज रॉकेट से सप्लाई मार्स पर भेजने की बजाय वो उन सप्लाई को हर्मिस तक भेजेंगे और अर्थ की ग्रेविटी की मदद से हर्मिस को वापस मार्स की तरफ डाइवर्ट कर देंगे जहां मार्क अपने मैव की मदद से ऑर्बिट में आएगा और हर्मिस उसे लेकर वापस अर्थ पर आ जाएगा। इससे वो एरिस 4 मिशन से 200 दिन पहले ही मार्क को बचा सकते हैं। सैंडर्स को इसमें काफी खतरा लगता है और वो इस प्लान को रद्द कर देता है। मिच उसे कहता है कि यह डिसीजन हर्मिस क्रू का होना चाहिए लेकिन सैंडर्स उसकी बात नहीं सुनता और सप्लाई प्रोब ही भेजने का ऑर्डर देता है। मिच किसी को बिना बताए रिच का प्लान हर्मिस क्रू को भेज देता है। कैप्टन मेलिसा अपने क्रू को बताती है कि इस प्लान से वो नासा के अगेंस्ट जाके काम करेंगे और वो करीब 500 और दिन अपनी फैमिलीज को नहीं देख पाएंगे। वो यह भी बताती है कि कैसे इस प्लान में हर मोड़ पर खतरा है। पूरा क्रू मार्क को बचाने के लिए हाँ बोलता है और वो हर्मिस का कंट्रोल डिसेबल करके उसका रूट चेंज कर देते हैं। नासा को इसका पता चलता है और सैंडर्स के पास नए प्लान को मानने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं होता। मार्स पर मार्क वीडियो लॉग में बताता है कि कैसे एरिस 4 मिशन की लैंडिंग साइट पे एक मैप ऑलरेडी नासा ने पहले से भेजा हुआ है जिसे यूज करके उसे ऑर्बिट में हर्मिस से कनेक्ट करना होगा। वो नासा की मदद से लैंडिंग साइट पर जाने के लिए अपना रोवर तैयार करता है और उधर नासा और CNS से मिलकर सप्लाई प्रोब को हर्मिस तक पहुंचाने की तैयारी करते हैं। आगे हम देखते हैं कि प्रोब का लॉन्च सक्सेसफुल था और वो हर्मिस से कनेक्ट हो जाता है। हर्मिस उसे लेकर मार्स की अपनी लंबी यात्रा शुरू करता है। आगे का सीन 7 महीने बाद का है जहां मार्क लैंडिंग साइट पर खड़े मैप तक जाने के लिए हैब से निकलता है। वो एक वीडियो में अपने एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करता है और एक बोर्ड पर अपना सिग्नेचर करता है। फिर वो अपने रोवर से मैप तक जाने के लिए निकल पड़ता है। हमें पता चलता है कि कैसे वो कुछ दूर चलता है और फिर सोलर पैनल को रिचार्ज करता है और फिर आगे बढ़ता है। नासा भी सैटेलाइट की मदद से उसे मॉनिटर करता है। नासा को एक और प्रॉब्लम का पता चलता है कि उन्हें मार्क के मैप को हल्का करना होगा ताकि वो अपनी स्पीड बढ़ा सके और मार्स की ग्रेविटी से निकलकर ऑर्बिट में आ सके। वो काफी सारे लाइव सपोर्ट सिस्टम और कंट्रोल को निकालने को कहते हैं। वो मैप की नोज एयरलॉक और विंडो को भी निकालने को कहते हैं ताकि मैप हल्का हो सके। वो बताते हैं कि हर्मिस का पायलट रिग मैप को रिमोटली कंट्रोल करेगा। इस पूरी जर्नी में मार्क को अपना स्पेस सूट पहनकर रखना होगा। विंसेंट को यह सब कुछ ठीक नहीं लगता लेकिन उनके पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। मार्क मैप तक पहुंचता है और नासा के बताए अनुसार उसमें मॉडिफिकेशन करना शुरू कर देता है। वो नोज एयरलॉक को निकाल कर उसे एक प्लास्टिक शीट से ढक देता है। उधर हर्मिस में कैप्टन मेलिसा टीम को अपना प्लान समझाती है कि
कैसे वो मार्क को वापस लाएंगे। मार्क अपने रोवर को गुड बाय बोलता है और स्पेस सूट पहनकर मैप में एंटर होता है। धरती के अलग अलग कोनों में काफी सारे लोग उस मूवमेंट की वेट करते हैं जब मार्क को बचा लिया जाएगा। रिक रिमोटली मैप के इंजन स्टार्ट करता है और वो मार्क को लेकर ऑर्बिट की तरफ चल पड़ता है। हाई स्पीड के कारण मार्क बेहोश हो जाता है। मेलिसा को पता चलता है कि मार्क अभी भी उनसे काफी दूर है। वो रिक को एक्स्ट्रा फ्यूल बर्न करके किसी तरह मार्क तक पहुँचने को कहती है। रिक बताता है कि इससे उनके वापस अर्थ जाने में मुश्किल आ सकती है, लेकिन मेलिसा ही रिस्क लेने को तैयार हो जाती है। आगे पता चलता है कि मार्क की स्पीड बहुत तेज है और उन्हें डर है कि वो मार्क को पकड़ नहीं पाएंगे। मेलिसा के कहने पर वो एक छोटा सा बम बनाकर उसे एयरलॉक में ब्लास्ट करते हैं, जिससे अंदर की हवा बाहर निकलती है और स्पेसशिप की स्पीड कम हो जाती है। मेलिसा खुद मार्क को कैच करने बाहर जाती है, लेकिन पता चलता है कि उसके और मार्क के बीच में अभी काफी दूरी है और वो उस तक नहीं पहुँच पाएगी। मार्क दिमाग लगाता है और अपने स्पेस सूट में एक होल कर देता है। उससे निकलती हवा से वो खुद की बॉडी को मेलिसा की तरफ धकेल सकता है। शुरू में तो वो थोड़ा कंट्रोल खोता है, लेकिन फिर खुद को संभाल कर वो मेलिसा से मिलने में कामयाब हो जाता है। मेलिसा उसे लेके वापस हर्मिस में आ जाती है। वो लोग नासा को मैसेज भेजते हैं, जिससे वहाँ और बाकी देख रहे लोगों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। सबको लगता है कि उन्होंने एक इम्पॉसिबल मिशन को पॉसिबल कर दिया है। आगे की सीन में हम देखते हैं कि वो सब वापस अर्थ पर आ गए हैं, जहाँ मार्क को नासा में सर्वाइवल इंस्ट्रक्टर बना दिया गया है, ताकि वो वहाँ आए एस्ट्रोनॉट्स के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सके। एंड सीन में दिखाया जाता है कि नासा ने एरिस 5 मिशन लॉन्च किया है, जो सक्सेसफुल होता है। इसी के साथ हम हर्मिस क्रू के बाकी मेंबर्स को भी देखते हैं, जो अपने अपनी लाइफ में बिजी हैं, और यहीं हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।